हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। तो अभी तक हमने थर्ड चैप्टर में आधा चैप्टर कंप्लीट किया था हमारी बदलती पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा था। अनेक प्लेट होती हैं जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैग्मा की बात करी थी कि अंदर मैग्मा पाया जाता है हमारा। अब जो प्लेट है उनके ऊपर दो इंपॉर्टेंट हमने बलों की बात करी थी कि एक अंदर से बल लगता है जिसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं या अंतर्जैनिक बल, और जो बाहरी बल लगता है जिसे हम बाहरी जैनिक बल और एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। आंतरजनिक बल के कारण हमने भूकंप देखा था, फिर ज्वालामुखी की बात की थी। यहाँ पे पृथ्वी की गतियों को दिखा रखा था कि आंतरजनिक बल होता है एक बाहरजनिक बल, ठीक है। इसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पर्वत निर्माणकारी है ना, अपरदन और निक्षेपण होता है जो कि बहते हुए जल से, नदी से, पर्वन से, समुद्री तरंग और हिमनद के कारण हो सकता है। फिर यहाँ पे हमें अच्छे से देखने को मिलता है कि ज्वालामुखी हमारा कैसे, इसका विस्फोट होता है और हमारा कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। और जहाँ से बाहर निकलता है उसको हमने क्या बोला था, क्रेटर बोला था। हमने देखा था जो मेंटल वाला एरिया होता है उसी के अंदर मैग्मा चेम्बर पाया जाता है और वहाँ से वो हमारा बाहर आता है और बाहर आने पर वो हमारा लावा कहलाता है। इसके बाद हमने भूकंप की बात करी थी और इसमें हमने तीन बात करी थी कि तीन होती हैं, पी प्राइमरी, एस सेकेंडरी रेज और तीसरी हमारी एल जिसको हम लव और सरफेस वेव्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अंदर कोई फॉल्ट होता है जिसे हम अधिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। जहाँ फॉल्ट होता है उसको हमने उद्गम केंद्र कहा था, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है भूकंप आने की, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर सीधे सबसे पहले पहुँचता है उसको हम अधिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसके जो आसपास जहाँ पर भूकंप का उद्गम केंद्र होता है वहाँ के आसपास वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है, और जितना उससे दूर जाएंगे उसकी भूकंप की तीव्रता क्या है, धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर हमने देखा था कि भूकंप की भविष्यवाणी के लिए कोई भी हमारे पास आज भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम पहले ही निर्धारण कर सकें कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं है हमारे पास, बस हम भूकंप की संभावना लगा सकते हैं जैसे जानवरों के व्यवहार की वजह है ना, उनका अध्ययन, तालाबों की मछलियों की वजह और सांपों का धरातल पे बाहर में आना। फिर उसके बाद हमने देखा था भुज में भूकंप के झटके, और उसके अंदर हमने देखे थे कि कैसे आए थे, कब आए थे, 26 जनवरी 2001 को। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो हमारी, जिसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस पर भूकंप नापा जाता है उसको हम सीस्मोग्राफ, जिसके अंदर रिएक्टर लगा होता है, रिएक्टर स्केल बोलते हैं। और भूकंप की स्टडी को मैंने जो पूछा था आपसे उसको हम सीस्मोग्राफी कहते हैं, ठीक है। बात करी थी दो से नीचे वाले कम होते हैं, मतलब बिल्कुल या तो ना के बराबर और पता ही नहीं चलते। पाँच या पाँच से नीचे वाले, मतलब कि इससे थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, लेकिन छः वाले शक्तिशाली होते हैं। वहीं अगर बात करूँ सात से ऊपर तो वो अधिक ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इतना हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, अब हम इससे आगे देखते हैं। देखो अब क्या दे रखा है, मुख्य स्थल आकृतियाँ। मुख्य स्थल आकृतियों में हमें क्या बता रखा है, जो हमारी पृथ्वी है, जो जिस पर हम रह रहे हैं, जो हमारा स्थल है, उस पर हमें अलग अलग आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, मतलब अलग अलग तरह की संरचना है। वो देखते हैं कैसे, अपक्षय और अपरदन, मतलब कि क्या हो रहा है, कहीं पर डिपॉजिट हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण या अपक्षय कहते हैं, है ना। अपक्षय और निक्षेपण एक ही बात है। अपरदन मतलब कहीं से मिट्टी हटाई जा रही है, मिट्टी हट रही है, उसको हम क्या कहते हैं, अपरदन। नामक दो प्रक्रमण द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, मतलब इन्हीं के कारण हमें क्या, जो पृथ्वी है या फिर स्थल है उसकी अलग अलग आकृतियाँ देखने को मिलती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टुकड़े से अपक्षय की क्रिया होती है। क्या होती है, जो हमने चट्टाने देखी थी, तीन प्रकार की हमने बेसिकली चट्टाने देखी थी, आग्नेय, अपसादी चट्टाने और हमारी कार्यांतरित चट्टाने, जिन्हें हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वो क्या होती है, टूटती हैं, और उनके कारण क्या होती है, टूटने के कारण अपक्षय होती हैं। इसका मतलब टूटने के कारण वो एक जगह इकट्ठी होती हैं, उनका निक्षेपण होता है, इंग्लिश में डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अब क्या होता है, जल की वजह, पवन की वजह, क्या होता है, हिम की वजह, इन सब की वजह अपरदन होता है। मतलब कि इसमें बता रखा है
कि जैसे यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बही तो यहाँ से क्या करेगी, इस मिट्टी को बहा कर ले जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, अब मिट्टी यहाँ से हट गई, इसको हम कह देंगे अपरदन। और मिट्टी को कहीं जाके, जैसे हम कहते हैं डेल्टा वाला रीजन जहाँ होता है, जहाँ पर मिट्टी, जहाँ पर नदी कहाँ जाके गिरती है, समुद्र में जाकर गिरती है, वहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा। तो वहाँ जब गिरती है तो उधर क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है, ठीक है। तो वही कह रखा है, या तो पवन के कारण अगर बताएंगे तो हम किस में बताएंगे, जैसे हम रेगिस्तान में देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे देखें, अगर हम रेगिस्तान में देखते हैं तो हम देखते हैं सैंड्यूल्स बोलते हैं इनको, कि यहाँ पर पवन के कारण बहुत बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, फिर पवन चलेगी ये टीले यहाँ से हट जाएंगे, फिर दूसरी जगह बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हिमनद के कारण ये होता है, और फलस्वरूप ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं वायु जल, और ये हमारे ये क्या करेंगे, सब क्या कर देंगे कि क्या, अपरदन मतलब एक जगह से मिट्टी को हटाएंगे और दूसरी जगह ले जाएंगे, मतलब एक जगह से मिट्टी हटी, जहाँ से मिट्टी हटी उसे अपरदन, और जहाँ पर मिट्टी जाके इकट्ठी हो गई उसको निक्षेपण या अपक्षय बोलते हैं। ओके, अपरदन और निक्षेपण का ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियाँ का निर्माण करता है। इन्हीं के कारण क्या होता है, अलग अलग हमें स्थल पर आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। देखो अब क्या आप जानते हैं, इसमें क्या बता रखा है, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, मतलब कि जो वाटरफॉल्स होते हैं ना वो बहुत है हमारे विश्व में। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ठीक है। याद रखना वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है, वेनेजुएला, ठीक है। वहाँ पर हमारा एंजल जलप्रपात दिखता है, ये क्या है, सबसे ऊंचा। अब ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें होती है ऊंचा बड़ा, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन यही बन सकता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो वो हमारा दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, ठीक है, और वो भी हमारा एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात जैसे उत्तरी अमेरिका का, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका का कैनेडा हम देखते हैं, सबसे ऊपर हमें कैनेडा देखने को मिलता है जब हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखते हैं, देन उसके बाद यूएसए और नीचे मैक्सिको, ठीक है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर, मतलब कि अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो कुछ इस तरह का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो हम कह देंगे कि ये हमारा कैनेडा है सबसे ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये और ये वाला पार्ट, इतना, ये सारा हमारा कौन सा है, ये हमारा यूएसए में आ जाता है, ठीक है, ओके। और ये जो सबसे नीचे ये छोटा सा बहुत ये वाला पार्ट है, इसको हम मैक्सिको कह देते हैं। तो यहाँ ये बोल रहा है कि कैनेडा, इस कैनेडा और यूएसए की सीमा पर एक जलप्रपात है, ओके, ये बताना चाह रहा है। इस तरह का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हमारा कुछ मैप कुछ इस तरह का दिखता है। तो जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात हमें दिखता है, नियाग्रा फॉल, ओके। तो इसने बताया कैनेडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है कौन सा फॉल, नियाग्रा फॉल। और अफ्रीका के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, जो भी बोलो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है जिम्बाब्वे, की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है, बहुत सुंदर जलप्रपात है ये विक्टोरिया। तो यहाँ तीन देखने को मिल गए, ये हमारे कहाँ है ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ ये भी रखना कि आप ये देखना भारत का नियाग्रा किसे बोला जाता है, ये आपको पता हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है, ओके। तो सबसे ऊंचा हमने कौन सा देखा, दक्षिण अमेरिका का, जो कि किस में है, वेनेजुएला के अंदर है, और जिसका नाम है एंजल जलप्रपात, एंजेला फॉल्स, ठीक है। और कैनेडा, और अगर पूछा जाए कि नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका और कैनेडा में हमें क्या मिल जाएगा, नियाग्रा वाटरफॉल मिल जाएगा। वहीं जिम्बाब्वे में हमें कौन सा फॉल देखने को मिल जाता है, विक्टोरिया जलप्रपात देखने को मिलता है,
नदी के कार्य। अब देखो नदियों का क्या काम होता है, नदियों के बहुत सारे काम होते हैं और भारत में तो बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें यूजेस दे रखे हैं। देखो क्या है, नदी के जल से दृश्य भूमि पर अपरदन होता है, ठीक है। भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिससे सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, तो याद रखिएगा चंबल नदी, जो हमारी चंबल नदी जो भिंड मुरैना वाले एरिया में बहती है उससे सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, जिसकी वजह वो बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है और बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल से या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, वो जलप्रपात बनाती है। जैसा कि इसमें बता रखा है कि देखो जब ये किसी ऊंचे वाले एरिया से किसी सीधी गिरी, ठीक है, तो किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल से खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो हमने इसको क्या कह देते हैं, इसको जलप्रपात कह देते हैं, वाटरफॉल कह देते हैं, ठीक है। ओके, कठोर सेल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सेल होते हैं। मतलब कि अब ये यहाँ से नदी बह रही थी, ये कटाव हुआ है जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया है, ये नीचे यहाँ से गिर रही है और ये वाटरफॉल बना रही है। ओके, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़कर मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस चित्र को समझ लेते हैं तो हम चीज़ें समझने में आसानी होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से जैसे नदी निकल रही है, ठीक है, जब इसने मोड़ लिया, ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, विसर्प। अगर बात करें विसर्प, स्नेक को हिंदी में, मतलब सांप को हिंदी में विसर्प कहते हैं, तो ऐसा मोड़ है, इसके कारण हमने इसको क्या कह दिया है, विसर्प कह दिया है। अब क्या होता है, पहले नदी हो सकता है इस वाले वे से बह रही हो, लेकिन अपने इसने रास्ता बदल के क्या कर दिया है, इस वे से बहना स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से नहीं बह रही है, लेकिन यहाँ पर एक झील टाइप की बन गई है, और जो झील नदी के कारण बनी है उस झील को हम चाप झील कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब कि आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाप क्या है, तालाब है, झील है, या फिर कोई घास है किसी प्रकार की, या फिर कोई नहीं, मतलब इस तरह का क्वेश्चन। तो चाप एक प्रकार की झील होती है। वो किस तरह उसका निर्माण होता है, उसका निर्माण जब नदी जिस मार्ग से गुजरती थी तो उस दर पहले पानी होता था, अब नदी ने अपना मार्ग बदल दिया है। अब जब नदी ने अपना मार्ग बदल दिया तो उस कारण क्या हुआ कि एक साइड वो इकट्ठा हो गया पानी और उसको हमने क्या कह, मतलब कि एक टाइप की झील बन गई और उसने हमने नाम दे दिया चाप झील। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि जब बड़े बड़े मोड़ों को क्या कह देते हैं, हम विसर्प कह देते हैं, ठीक है। विसर्पों के किनारे पर लगातार क्या होता रहता है, देखो एकदम से मुड़ी तो क्या होगा, वहाँ से अपरदन होगा, वहाँ से मिट्टी ले जाएगी और उसका मिट्टी ले जाने के बाद निक्षेपण एक जगह इकट्ठा करेगी तो उसे निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते आते समय के साथ विसर्प लूप नदी से कटे जाते हैं और अलग झील बनाते हैं। क्या हुआ, अब एक जगह से ये क्या हो गई, अब यहाँ से बह रही थी, अब यहाँ से क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि इसने यहाँ निक्षेपण कर दिया, निक्षेपण कर दिया तो वो ऊँची वाली एरिया से क्या नहीं बह पाएगी, नहीं फिर वो छोटे मतलब कि जो नीचाई वाला एरिया होगा वहाँ से बहेगी और अब उस साइड क्या हो गई, एक झील का निर्माण हो गया जिसे हम चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। बाढ़ के कारण नदी के तटों का निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अपसाद कहते हैं जिसे समतल उपजाऊ वाड़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, ये मतलब दूसरे एरिया में गई, वहाँ पर साथ में मिट्टी ले गई तो वहाँ पर बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होगा। नदी के उत्थित तटों पर तटबंध, जिन्हें हम कह देते हैं ना कि हमने क्या बनवा दिया, तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा होता जाता है और तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित होती है। क्या होता है, अब सपोज करो यहाँ पे बाढ़ का मैदान की जगह हम कह दें यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ क्या करेगी, ये जो नदी गई यहाँ पे इसने काफ़ी सारा निक्षेपण कर दिया सपोज, ठीक है, इधर बहुत सारा मिट्टी का मलबे का निक्षेपण कर दिया, तो ये नदी अब क्या करेगी, अलग अलग धाराओं में बट जाएगी और बटने के कारण ये अलग अलग वितरिकाओं में इस समुद्र में अपना जल गिराएगी। तो ये सेम चीज़ कह रखी है, समुद्र तक जाते जाते पहुँचते पहुँचते
नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में, ठीक है, क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है और तब वो अपना जल समुद्र में गिराती है, जिनको हम क्या कह देते हैं, वितरिका कहा जाता है। तो बताया वही अलग अलग क्या होती हैं, धाराएं होती हैं जिन्हें हम वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। अभी यही बोला कि नदी आई, तो नदी ने क्या किया, नदी आई अब इतनी धीरे हो गई तो यहाँ पे मिट्टी, अब उसमें शक्ति ही नहीं रही अपरदन करने की, बल्कि क्या करेगी, अब वो मलबे को इकट्ठा कर देगी और मलबे को यहाँ पे इकट्ठा कर देगी, तो यहाँ ऊंचाई वाले भाग पे तो ये बहेगी नहीं, फिर यहाँ आसपास जो निचाई वाला भाग होगा उससे ये समुद्र में गिरेगी, ठीक है। तो इसको हमने क्या कह दिया, अलग अलग वितरिकाएँ कह दिया। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। तो जहाँ पे मुहाना क्या होता है, जहाँ नदी अपना जल समुद्र के अंदर गिराती है, उसको हम क्या कह देते हैं, मुहाने का निर्माण कह देते हैं। सभी मुहाने के अपसादों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण कहते हैं, कि जहाँ पर भी वो मुहानों को गिराएगी, जहाँ पर वो मतलब कि अपना मुहाना बनाएगी, मुहाने के पास क्या करेगी, वो अपसाद जो भी लाई गई मिट्टी है उसको इकट्ठा कर देगी, उसी को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, यहाँ चित्र में यही देखा रखा है कि देखो ये जो मुख्य नदी है ये यहाँ से बहकर आई, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पर भी निक्षेपण किया, यहाँ पर निक्षेपण किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर हर जगह किया, फिर ये अलग अलग वितरिकाओं में क्या हो गई, बट गई। और अलग अलग वितरिकाओं में बटने के कारण अपने अपने मुहाने पर क्या कर रही है, ये अपने अपने मुहाने पर अपसादों का संग्रह कर रही है, जिसे हम डेल्टा कह देते हैं। ओके, अब इसमें देख रखा है समुद्री तरंग के कार्य, जो समुद्री तरंग है कि अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियां बनाते हैं। मतलब कि तटीय स्थल आकृतियां क्या होती हैं, तट के पास जो हमारा समुद्र का तट होता है उसके पास ये क्या है, अलग अलग आकृतियां बनाती हैं अपरदन और निक्षेपण के कारण। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। क्या होता है कि जो समुद्र की तरंग है, जैसे हम अगर इसको ही देख लें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सैल है हमारी, जो चट्टाने हैं इनसे क्या होंगी, जो समुद्र में तरंगे आती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, लगातार इनसे टकराती रहती हैं। टकराने के कारण क्या होता है, जिससे इनमें दरार विकसित हो जाता है, इनमें क्रैक आ जाता है और समय के साथ ये बड़ी और छोटी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा भी हम कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। अब क्या होगा कि जब लगातार लगातार इनका टूटते जाएंगे, इसका अपरदन होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केवल लास्ट में छत ही इसकी बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है। अब जब अपरदन होता रहेगा तो ये क्या करेगा, छत को भी तोड़ देगा और केवल दीवारें ही बचती हैं। जैसे इसमें दिखाया है छत इसकी टूट गई और दीवारें ही बची हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए, मतलब कि कुछ इस तरह की सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है, ठीक है। समुद्री तरंगें किनारों पर अपसाद जमा करती हैं। अब क्या होती है, जब तरंगे आती हैं, तट देखा होगा, सपोज ये समुद्र है और ये समुद्र का तट है, तो यहाँ पे लगातार अपरदन और समुद्री मतलब अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। देखा होगा पानी ऊपर आता है, नीचे जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो हमारा अलग चीज़ होता है, उस चीज़ को हम यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसके कारण भी अपरदन और निक्षेपण होता है। हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये जो हिमनद होता है ये क्या होता है, अथवा जो हिमानी होती हैं वो क्या होती हैं, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ठीक है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। क्या होता है, ये जो हिमनद होते हैं, जो मतलब कि बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, मतलब इनका अपरदन कर देती हैं और गोलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद जो होते हैं वो गहरे गर्तों का निर्माण कर देते हैं और ऐसे गर्त जो निर्माण करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र बड़े बड़े गर्त मतलब कि गड्ढों का निर्माण कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भराव
हो जाता है, मतलब जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, जल भराव हो जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के छोटे लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, इनके द्वारा, जैसा कि पता है कि हिमनद के द्वारा बहुत बड़े बड़े सेल भी लाए जाते हैं और छोटे भी लाए जाते हैं। रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हिमनद हिमोड़ बोलते हैं। जो निक्षेपण किसके द्वारा हो रहा है, हिम नदियों के कारण होता है, उसे हम हिमोड़ कहते हैं। ओके ओके, इसमें क्या बता रखा है, पवन के कार्य। तो क्या है पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, मतलब रेगिस्तान आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर बालू डिब्बे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं, कि कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए और वहाँ पर, मतलब कि आप एक नॉर्मल आइडिया लगाओ कि वहाँ पर सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं और कैसी आकृति होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये जो है हमारे क्या है, सैंड ड्यून्स बालू डिब्बे हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। तो याद रखो, रेगिस्तान में अगर आपसे पूछा जाए किसके कारण अपरदन और निक्षेपण होता है, तो रेगिस्तान में इतनी नदियाँ तो मिलती नहीं है, वहाँ पर पवन के कारण, हवा के कारण अपरदन और निक्षेपण होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह के सेल छत्रक सेल कहलाए जाते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ से पवन चली तो यहाँ क्या हो गया, अपरदन हो गया इस वाले एरिया का, ठीक है, और जाके इसने यहाँ पर ये इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, पवन के कारण यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी हो गई, इसलिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया, निक्षेपण कर दिया। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको क्या कह देते हैं, बालू डिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसे लोइस कहते हैं। बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि लोइस किसे कहा जाता है। तो जब जो बालू कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह जाकर, वहाँ पर उसे हम क्या कह देते हैं, लोइस कहते हैं। चीन में विशाल लोइस निक्षेप पाए जाते हैं, तो कहाँ पर बहुत बड़े लोइस निक्षेप पाए जाते हैं ऐसे, तो चीन वाले एरिया में ऐसे निक्षेप पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, बताओ, सेल या किनारा या फिर समुद्री गुफा। तो देखो, समुद्री गुफा वो बनाती है, ठीक है, किनारा वो बनाती है, समुद्री गुफा होती है उसमें, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा सेल, फर्स्ट का सेल। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है कि वो क्या करती है, निक्षेपण करती है, ठीक है। तो बाढ़कृत मैदान तो नदियों के कारण बनते हैं, पुलिन हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, और हिमोड़, हिमोड़ के कारण ही क्या होता है, निक्षेपण होता है, हिमोड़ बोलते हैं हम जो हिमनद वाले एरिया में निक्षेपण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, मतलब एकदम से जो होता है, तो क्या वलन होता है, वलन नाम की चीज़ तो अभी तक हमने देखी नहीं, वाड़कृत मैदान ऐसा भी नहीं है, ज्वालामुखी, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्रक सेल पाए जाते हैं, तो अभी हमने ये देखा था कहाँ पाए जाते हैं, नदी घाटी में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था, हिमनद में भी नहीं पाए जाते। छत्रक सेल जहाँ पर रेगिस्तान वाले एरिया में जो बालू के सेल टाइप के बन जाते हैं उन्हें हम छत्रक सेल कहते हैं, तो ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। चाप झील यहाँ पाई जाती है, मतलब कि यहाँ की जगह यहाँ लिखना चाहिए कहाँ पाई जाती है, ये गलत है, चाप झील कहाँ पाई जाती है, तो चाप झील के लिए हमने क्या देखा था, जो नदी है हमारी वो पहले यहाँ से बह रही थी, ठीक है, अब क्या हुआ, वो इस जगह से बहना बंद कर गई और अब वो इस वाले एरिया से बहने लग गई, तो यहाँ पर उसने एक झील का निर्माण कर दिया, तो उसको हम क्या कह देते हैं, चाप झील कहते हैं। तो कहो हिमनद, नदी घाटी या रेगिस्तान, ऑब्वियस सेकंड नदी घाटी के कारण। तो इस तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।